अस्सलाम वालेकुम। आज मुमताज रेसिपी में मैं आपको चपली कबाब बनाना बता रही हूँ। जिस तरीके से और अलग तरीके के हम कबाब खाते हैं, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। कच्चे कीमे के ही होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होता है। ये मैंने 200 ग्राम गोश्त ली थी और उसमें तकरीबन 100 ग्राम के करीब चर्बी ली थी, और दोनों को 2 से 3 हाथ मिक्सर में कर लो। आपके घर में है तो जहाँ से खरीद रहे वहीं से 2 से 3 हाथ वहीं से करा ले मशीन में। तो ये तकरीबन 300 ग्राम के करीब कीमा है। चर्बी जरूर डलवाइए आप इसमें। अब इसमें जो हम प्याज डालेंगे, वो एकदम डायरेक्ट आपने नहीं डालना है। प्याज को आपने डायरेक्ट नहीं डालना है, मैंने इसे चॉपर में बहुत ही बारीक पीस कर ली हूं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसका आपने पानी निकाल देना है। मैंने इसको चॉपर में बहुत अच्छे से बारीक कर ली हूं। देखिए आप, बहुत ध्यान से आप इसे देखिए, स्काइप ना करें प्लीज। 3 मीडियम प्याज है जिसे मैंने एकदम बारीक चॉप की हूं, उसका हमने पानी निकाल देना है। पानी का इसमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। ये देखिए प्याज कितनी फरारी हो गई। अब इन दोनों चीजों को हमने खूब इतना मिक्स करना है। इस कबाब में थोड़ी सी मेहनत है, मगर खाने में भी उतनी लज्जत है। प्याज और कीमा एक हो जाना चाहिए, इसको आपने इस तरीके से मसलना है। कीमा प्याज कितने अच्छे से मिक्स हो गया है, लग ही नहीं रहा है कि इसमें हमने प्याज डाले थे। नहीं, बेसन नहीं है, ये मकई का आटा है। चपली कबाब में गेहूं का आटा या मकई का आटा डाला जाता है, लेकिन मकई के आटे से ये बहुत ही अच्छा बनता है, और इसमें जो एक लचक आती है, चिकनापन, वो बहुत ही अच्छी होती है। तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच इसको डालना है और इस तरीके से मिक्स करना है। अभी इसमें हम हसबे जरूरत या अपने हसबे टेस्ट जायका नमक डालेंगे। नमक आपको जितना पसंद है, कम ज्यादा, आप उस हिसाब से इसमें नमक कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मसाले आप ध्यान से देखें। 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है, 1 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच जीरा है, 2 चम्मच के करीब अखा धनिया है जिसे मैंने क्रश कर ली हूँ, अजवाइन 1/2 चम्मच अजवाइन, ये है गरम मसाले का पाउडर, ये है जीरा पाउडर। ध्यान से आप मसाले ध्यान से रख देखें, इतने मसाले इसमें डालेंगे। अब फिर से इसको हमने मिक्स करना है। इसमें कोथमीर बिल्कुल नहीं डालोगे आप कट करके, ये हरी मिर्च है बारीक कटी हुई। अब इसमें बहुत बारीक कटा हुआ टमाटर है, आप देख सकते हैं, ये जाएगा। मैंने बारीक कट की थी, उसमें जो बीन्स थे मैंने वो हटा दी थी, क्योंकि अगर वो बीन्स होता है ना तो फिर वो पानी छोड़ देता इसमें। माशाल्लाह बहुत अच्छा मिक्स हो गया है। अब आप इसको मिक्स करके फ्रिज में 2-3 दिन के लिए रख भी सकते हैं, आपका जब दिल हुआ बना के खा लो, मगर ज्यादा दिन ना रखे क्योंकि इसमें टमाटर डाला हुआ है, टमाटर की वजह से खटास आ जाएगी। 1 से 2 दिन बहुत हो गया। में अनारदाना भी डाला जाता है, मुझे आज अनारदाना घर में भी नहीं है, मैं बाजार गई तो शॉप पर नहीं मिला मुझे, तो मैं जो है तो बिना अनारदाने के बना रही हूँ। अगर आपके पास है या आपको मिल जाए तो आप जरूर डालें। एक 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन ढककर आप इसे रख दें। 10-15 मिनट हो गए हैं, अब इसकी हम टिकिया बना लेते हैं। हाथ पर हल्का से आप तेल लगा लें, तेल भी हमारा तवे पे मैंने रख दी हूँ गर्म होने के लिए, आप हल्का सा हाथ पे तेल लगाएं। ये चपली कबाब अपनी पसंद से आप बड़ा छोटा बना सकते हैं। ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, थोड़े पतले से होते हैं, आप इसे बना बना के एक प्लेट में रख लें, तेल गर्म होने तक में आप इतना काम कर लें। पहले हाथ में अच्छे से इसको बॉल बना लें, बॉल बनाने के बाद में आपने फौरन इसके ऊपर स्लाइस रख दें, इससे क्या होगा ये बराबर अंदर तक का बैठ जाएगा।
तेल हमारा अच्छा गरम हो गया है, कबाब भी हमने थोड़े से बना लिए हैं, अब यहाँ पे फ्राई भी होता रहेगा और वहां हम और भी कीमे के कबाब झटपट बना लेंगे। चलो बिस्मिल्लाह। कबाब बड़े हैं, थोड़े से साइज पतला है, एक साथ दो कबाब अगर आप डाल रहे हैं तो वह बड़ा है तो जरूर डालिए दो या तीन, वरना ज्यादा ना डालें आप इसे। ऐसा हम लोग ऐसा ऐसा करके ऐसा खसका देते हैं। बहुत संभाल के इसे आपने पलटना है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। इसमें आप बताइए, अभी मैंने आपको ना अंडा आपने कच्चा अंडा डालना है इसमें, ना अंडा फ्राई करके डालना है। अंडा वो लोग डालते हैं जिनको ऐसा डर लगता है एक सॉरी टूट ना जाए। ये बिल्कुल नहीं टूटेगा, इसमें जो हमने कॉर्नफ्लावर सॉरी मकई का आटा डाले हैं वो इसे टूटने नहीं देगा। और आपने इसे फ्राई भी करना है तो लो टू हाई फ्लेम पे करेंगे आप, एकदम तेज आंच पे नहीं करना है। इसे इस तरीके से आपने साइड लगा दें। देखिए आप बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही अच्छे बने हैं, मजेदार चपली कबाब तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यम्मी बने हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।